दोस्तों बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 2 मैच बॉक्स। फिर दोस्तों मैंने लिया कोर्डलेस मोटर, इसका रिव्यू मैंने चैनल पर कर चुका हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका मिल जाएगा। फिर मैंने लिया है 3.7 वोल्ट की एक बैटरी जो कि इस मैच बॉक्स में घुस जाती है अच्छी तरह से। और फिर मैंने एक पाइप लिया है, ये जो माजा फ्रूटी होता है उसी का पाइप है। और एक स्विच हमें चाहिए, उसके बाद फिर दोस्तों मैंने लिया है एक चार्जर पिन जिसपे हम रिचार्ज कर सकते हैं बैटरी को। 9 वोल्ट की बैटरी हम लोग इसे में जो है रिचार्ज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसे वो रिचार्जेबल नहीं है, इसलिए मैंने रिचार्जेबल बैटरी लगाई है। इसके बाद जो है दोस्तों मैं 9 वोल्ट की बैटरी से बनाऊँगा जो कि DC मोटर से बनाऊँगा मैं इसके अगले वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि मैं कैसे कर रहा हूँ। वैसे हम लोग यहाँ पे अब जो है छेद कर देंगे और उसके बाद बैटरी का जो तार है उसे हम लोग निकाल देंगे एक तरफ से दूसरे तरफ की ओर। दोस्तों हम लोग ने इधर छेद कर लिया है तो हम लोग इसे निकाल देते हैं, आप लोग देख सकते हैं अच्छे से है। फिर हमें इसमें सबसे पहले हम लोग इसे लगाने से पहले हम लोग इसमें वो जो स्विच है और वो बैटरी पिन उसे चार्जर पिन उसे हम लोग लगा लेंगे। इसमें हम लोग छेद कर देते हैं चार्जर पिन लगाने के लिए। आप लोग दोस्तों अच्छे से कीजिएगा, थोड़ा सेफ्टी से क्योंकि ये आपको घट भी सकता है लगाने से। मैं चलिए दोस्तों छेद हो गया है, मैं आप लोग को इसे लगा कर दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं छेद मैंने कर लिया है, थोड़ा बड़ा है, अभी देख सकते हैं ये लग चुका है। आप लोगों को दोस्तों ये जो है कहीं भी बाजार में 5 रुपये में मिल जाएगा और स्विच भी आप लोगों को 5 रुपये में मिल जाएगा। इसे हम लोग जो है काट करके लगा देंगे, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि हम लोग ने इसे भी लगा दिया। अभी हम लोग ने छेद जो बनाया था उससे जो है हम लोग बैटरी का जो तार है इसे हम लोग निकाल देते हैं। उसके बाद दूसरे स्टेप में हम लोग एक छेद बना देंगे, इसके ऊपर जो हम लोग कोर्डलेस मोटर का जो फैन है उससे हम लोग अब लगाएंगे। दोस्तों कोर्डलेस मोटर फैन अब हम लोग पाइप इसमें लगा कर एक ग्लू गन के मदद से इसे चिपका देंगे। ग्लू गन नहीं है आप लोग के पास तो दोस्तों हैवी क्विक से आप लोग इसे बना सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे के पास जो है कोर्डलेस मोटर या फिर ये चार्जेबल 3.7 वोल्ट की बैटरी नहीं है, इसलिए मैं SW बैटरी और फिर DC मोटर से बनाऊँगा अगले वीडियो में फ़ैन। यही ज़्यादा बहुत गर्मी है इसलिए मैं दोस्तों फ़ैन का वीडियो डाला हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों मैंने इसे ऐसे ही कर लिया, अब ये जो है ग्लू गन की मदद से मैंने इसे चिपका लिया है। दोस्तों ग्लू गन भी आप लोग बाज़ार से खरीद सकते हैं, वो जो है 250 रुपये में मिल जाता है बाज़ार में और उसका स्टिक जो है 5 से 10 रुपये में मिल जाता है। इसे हम लोग खड़ा करके अच्छी तरह से चिपका लेंगे। दोस्तों ये हम लोग को बिल्कुल स्ट्रेच चिपकाना है क्योंकि थोड़ा भी इधर उधर होगा तो ये जो प्रोपेलर है वो मैच बॉक्स के जो ये डिब्बा है उसमें टकराएगा। और दोस्तों आप लोग जो है साइज से इसे काट लीजिएगा, पहले प्रोपेलर को आप लोग जो है नाप लिख कर काटिएगा। चलिए दोस्तों हमारा ये जो है कट चुका है, कटने के बाद दोस्तों अब हम लोग जो है हॉट ग्लू गन की मदद से हम लोग जो है चिपका देते हैं इसको। दोस्तों हॉट ग्लू गन की मदद से हम लोग दोस्तों इसे चिपका लेंगे। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग को जो है अच्छे तरह से आप लोग देख सकते हैं कि मैंने चिपका लिया है, जो बाकी वेस्ट जो ग्लू गन है उसे हम लोग जो है हटा देंगे। दोस्तों ग्लू गन की मदद से हम लोग जो है ये स्विच भी चिपका देंगे। उसके बाद जो है दोस्तों हम लोग इसके अगला जो प्रोसेस है वो हम लोग को करना है। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने जो है एक स्विच जो है इसमें चिपका दिया। उसके बाद दोस्तों ग्लू गन की मदद से हम लोग जो है इसमें लगा देंगे। आप लोग के पास दोस्तों अगर ये सब बैटरी नहीं हो तो मैं जो है अगले वीडियो में आप लोग को DC मोटर से बना करके दिखाऊंगा कि हम लोग जो है कैसे इसको बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारा ये जो है बन चुका है। उसके बाद जो है दोस्तों हम लोग जो है ये बैटरी का जो है थी तार है उसे हम लोग निकाल देते हैं और फिर बैटरी जो है हम लोग उसे घुसा देते हैं। बैटरी जो हम लोग ने दोस्तों घुसा दिया है, अब इसके बाद जो हम लोग दोस्तों ग्लू गन की मदद से इसे चिपका देंगे। उसके बाद जो है इसके ऊपर जो फैन हम लोग लगाए थे वो वाला हम लोग को चिपकाना है।
तो चलिए दोस्तों, ये भी हमारा हो चुका है। इसके बाद दोस्तों हम लोग जो है फैन को लगा देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग की वायरिंग की बारी आ गई है। हम लोग ने सब कुछ कर लिया है। अब आप लोग को जो ये वाला तार दिख रहा होगा, ये है दोस्तों चार्जिंग का जो पिन है वो। दोस्तों चार्जिंग वाला जो है वो दोनों बैटरी में लगा देना है, एक दूसरे में, पॉजिटिव का पॉजिटिव और माइनस का नेगेटिव का नेगेटिव। तो चलिए दोस्तों हम लोग जो है इसे लगा देते हैं। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, मैंने जो है ले लिया है दो तार। दोस्तों ग्रीन वाला जो वायर है वो पॉजिटिव वाला वायर है बैटरी का, और रेड वाला जो है वो चार्जिंग जो के लिए जो है मैंने दिया है वो भी पॉजिटिव है। तो चलिए अभी हम लोग को स्विच का काम नहीं करना है दोस्तों, अभी हम लोग को डायरेक्ट बैटरी और ये जो रिचार्जेबल के लिए हम लोग ने लगाया है जो पिन, उसे हम लोग फिर से लगा देंगे इसमें। चलिए दोस्तों हम लोग ने इसे भी लगा लिया है। उसके बाद जो है दोस्तों हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग जो है स्विच को कनेक्ट कर लेते हैं। स्विच का कोई एक तार हम लोग जो है दोस्तों बैटरी और ये जो चार्जिंग वाला है उसमें लगा देते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग ने इसे भी लगा लिया है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग ने लगा लिया। अब आप लोग देख सकते हैं कि स्विच का जो एक तार है, अब ये जो दोनों जो तार बचा, एक तार बैटरी का और एक तार हम लोग को लगाना है स्विच का, उसको जो है जोड़ना है हम लोग को फैन में यानी कि मोटर में। चलिए दोस्तों मोटर में भी हम लोग इसे जो है लगा लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये कॉर्डलेस मोटर जो है, मैंने इसका रिव्यू किया था अपने चैनल पे, इसका डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा। और आप लोग को ख़रीदना हो तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों, वहां से आप लोग जाके इसे खरीद सकते हैं। दोस्तों अभी तक वीडियो आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक तुरंत कर दे दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों अगले हम लोग काम करते हैं। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, मैंने जो है मोटर को इस फैन में जो है कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद जो है दोस्तों मैं जो अगला वाला जो वायर है उसे भी अपना मोटर में जो है कनेक्ट कर देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने जो है मोटर में वो वाला वायर जो है कनेक्ट कर लिया है। हम लोग जो है इसे अच्छे तरह से पैक कर देंगे दोस्तों। आप लोग के पास अगर ग्लू गन या फिर इतनी नहीं हो, फेविक्विक से आप लोग कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप लोग इसे जो है टेप्स की मदद से भी कर सकते हैं इसे पैक। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग जो है इसे पैक कर देते हैं अच्छी तरह से। हाँ दोस्तों हम लोग ने जो है देख सकते हैं आप लोग कैसे हम लोग ने इसे जो है पैक किया है। अब अगले दोस्तों इसमें जो है हम लोग ग्लू गन की मदद से इसे जो माचिस का जो हमारा डिब्बा था उसे हम लोग लगा देंगे। हम लोग को काटना नहीं, ये जो एक्स्ट्रा पीछे की साइड जो निकला हुआ ये वाला, इसे भी हम लोग चिपका देंगे अच्छे से। चलिए दोस्तों हम लोग ने इसे चिपका लिया। अब हम लोग पीछे साइड जो है इसे भी अच्छे थोड़ा टाइटली हम लोग को चिपकाना, क्योंकि ये लूज हो जाएगा तो फिर अच्छे से नहीं ये फिर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग का जो ये भी वर्क हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इसके बाद जो है मैं इसके ऊपर रैप कर दूंगा एक पेपर की मदद से। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को टाइप करके दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने इसके ऊपर जो है पेपर लगा दिया है इसे अच्छा दिखने के लिए। अब मैं आप लोग को दोस्तों इसे चला करके दिखाता हूँ। आप लोग जो है इसे दोस्तों बैटरी को चार्ज भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, हमारा ये जो फैन है वो बिल्कुल अच्छी तरह से काम कर रहा है। आप लोग भी इसे घर पर जरूर बनाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। मैं आप लोग के लिए ऐसे ही क्रिएटिव वीडियो लाता रहूँगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।